अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन के बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होती है और उन रिएक्शंस के नतीजे में कुछ फाजिल मादे इजाफी मटेरियल्स बन जाते हैं जिनको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है या नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये मुख्तलिफ किस्म के आर्गन्स के ज़रिए जो है जिस्म से रिमूव किए जाते हैं, एक्सक्रीट किए जाते हैं। लिखते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी बाय द फॉलोइंग आर्गन्स। नीचे जो दिए गए आर्गन्स हैं उनके ज़रिए ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बाहर निकाले जाते हैं। तो इनमें नंबर फर्स्ट जो है हमारे साथ स्किन है, इसके अलावा लंग्स है और इसके साथ साथ जो है लीवर है और किडनीज है। तो स्किन जो है, स्किन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। स्किन जो स्किन हमारी होती है इसके नीचे स्वेट ग्लैंड्स होती है, स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होती है और स्वेट ग्लैंड जो पसीना होता है, पसीने की प्रोडक्शन वो करते हैं, परस्पिरेशन जिस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें पसीना का जो है बनना और जिस्म से अखराज शामिल होता है। तो स्वेट या पसीने में क्या चीज़ मौजूद होती है, इसमें वाटर होता है, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कुछ आयन्स होते हैं जिनमें हमारे साथ सोडियम है, क्लोराइड है और पोटाशियम आयन्स हैं। इसके अलावा यूरिया है, लैक्टेट है, अमाइनो एसिड्स है और इसके अलावा बाइकार्बोनेट और कैल्शियम के आयन्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्वेट में होती है और कुछ गर्मी के मौसम में जो है स्वेट अमूमन ज़्यादा निकलती है या एक्सरसाइज़ के टाइम जब बंदा एक्सरसाइज कर लेता है, वर्जिश कर देता है तो पसीना जो है ज़्यादा आता है। तो उन केसेस में कुछ एंसिडेंटल लॉसेस भी हो जाती है यानी जिस पानी की हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है या जो आयन्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं वो भी इसके साथ जिस्म से निकल जाते हैं। इसके अलावा लंग्स हैं, तो लंग्स किस चीज़ की एक्सक्रीशन करते हैं? लंग्स जो है हमारे जिस्म में जो रिस्पायरेशन होती है, जो सेल रिस्पायरेशन होती है हमारे बॉडी के अंदर, हर सेल के अंदर रिस्पायरेशन का रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो भी हासिल हो जाते हैं, वो भी प्रोडक्ट्स में हमें हासिल होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये जिस्म से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो लंग्स जो है ये बाई एक्सहेलेशन ऑफ एयर, एक्सहेलेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी उन गैसेज के साथ जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो है जिस्म से लंग्स और फिर ट्रेकिया और ये इस तरह नोज या माउथ के ज़रिए हम एयर जो है एक्सहेल कर देते हैं और इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मौजूद हो सकता है, वाटर वेपर्स की शक्ल में मौजूद होता है। इसके अलावा लीवर है, लीवर भी एक वाइटल आर्गन है जिसको हम उर्दू में जिगर कहते हैं। लीवर जो है मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, उसको प्रोसेस करता है। जो टॉक्सिन हमारे खुराक के ज़रिए या हमारे जिस्म में बन जाते हैं तो उन टॉक्सिन्स को ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और या तो किडनीज के ज़रिए या किसी और तरीके से उसको जो है जिस्म से फिर रिमूव किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमने लिखा है बिलरुबिन को भी जो है ये एक्सक्रीट करता है। तो बिलरुबिन को यह किस तरह एक्सक्रीट करता है और ये है क्या चीज़? बिलरुबिन जो है ये हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन पार्ट होता है। तो हीम पार्ट जो होता है, जो पुराने रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें जो है हीमोग्लोबिन वो जो है वॉर्न आउट हो जाते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है उसका हीम पार्ट जो है इससे बिलरुबिन हासिल होता है, ये उसका प्रोडक्ट है और ये बिलरुबिन जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए हमारे लीवर तक पहुँच जाता है और लीवर जो है इसको या तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए एक्सक्रीशन फीसिस के साथ ये एक्सक्रीट हो जाता है या ये इसको जो है यूरिनरी सिस्टम के हवाले कर देता है सर्कुलेशन के ज़रिए। तो किडनी जो है उसको यूरिन के ज़रिए, कुछ बिलरुबिन यूरिन के ज़रिए जिस्म से निकल जाते हैं और कुछ जो है जिस्म में वापस लीवर में आ जाते हैं और उसको जो है फिर प्रोसेस करता है। इसके अलावा अमोनिया जो है, अमोनिया ये एक बहुत टॉक्सिक जो है मेटाबॉलिक वेस्ट है और ये अगर हमारे जिस्म में मौजूद रहे तो ये सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, लिहाजा अमोनिया को जो है ये लीवर कन्वर्ट कर देता है यूरिया की शक्ल में और यूरिया जो है लेस टॉक्सिक है निस्बतन, लिहाजा यूरिया जो है किडनीज के ज़रिए जिस्म से रिमूव की जाती है। इसके अलावा किडनीज है, किडनीज हमारे साथ फोर्थ नंबर पर एक एक्सक्रीटरी आर्गन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्राइमरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किडनी जो है टू इन नंबर है, ये हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे।
यूरिन फॉर्मेशन जो है इसका बुनियादी फंक्शन है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड है हमारे जिस्म में, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनती है तो वो ये ब्लड को प्यूरीफाई करता है, उसको जो है फिल्टर करता है और उससे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स, मेटाबॉलिक वेस्ट और आयन्स वगैरह जो है वो निकालता है। किडनी जो है उसको जो है फ़िल्टर करते हैं ब्लड से, और यूरिन फॉर्मेशन इसका बुनियादी फंक्शन है। यूरिन में क्या क्या केमिकल्स, क्या क्या मेटाबॉलिक वेस्ट, क्या क्या आयन्स, क्या क्या साल्ट्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो यूरिया है जो कि प्राइमरी ह्यूमन मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसको जो है यूरिन की शक्ल में बाहर निकाल दी जाती है। वाटर जो है, इजाफी वाटर जो है वो जिस्म से निकाली जाती है, उसमें यूरिन में साल्ट्स भी होते हैं, टॉक्सिन भी होते हैं, हारमोन्स भी होते हैं, यूज्ड हार्मोन जो होते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स जो है जो हमारे जिस्म में हम मौत के ज़रिए अंदर डालते हैं या इंजेक्शन के ज़रिए हम डालते हैं अपने बॉडी के अंदर, या कुछ और शक्ल स्मोक वगैरह के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर चली जाती है, तो जो ड्रग्स होती है, मेडिसन्स होती है, वो भी जो है हमारे जिस्म से यूरिन की शक्ल में उसकी जो केमिकल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का कुछ इंट्रोडक्शन था। हम डिटेल से भी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनीज और यूरिन फॉर्मेशन वगैरह हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और आल का ऑप्शन मुंतखब करें ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। शुक्रिया।